कुछ महीनों के गहमा गहमी और चुनावी भागदौड़ के बाद में जिस तरीके से मतदान हुआ है, एग्जिट पोल लगभग सामने आ चुके हैं और इन सभी एग्जिट पोल में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस आप दोनों में से किसी एक को सत्ता हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 224 प्लस 28 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के खाते में 80 सीटें आई है। लगभग सातों एग्जिट पोल्स को देखते हैं तो कुल मिला के औसतन 216 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो 15 साल बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होगी। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 36 सीटों पर जीतना किसी पार्टी के लिए जरूरी है। चार सर्वे में नजर डालें तो बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक सर्वे के अंदर बीजेपी कांग्रेस दोनों की बराबर की संभावनाएं जताई गई हैं। पंजाब में हम लोग देखते हैं तो पंजाब की कुल 117 सीटें हैं, जिन पर जीत के लिए और सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का बहुमत होना आवश्यक है। आप और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है, जबकि शिरोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन को इस चुनाव में नुकसान होता नजर आ रहा है। गोवा में कुल 40 सीटें हैं और 21 सीटें जिनको भी मिलेगी वो बहुमत से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तीन एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, जिन पर बहुमत के लिए 31 सीटों पर जीत जरूरी है। अब इसमें भी लगभग सभी एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों में आगे है। तो ये था एग्जिट पोल आपके सामने। अब कुछ ही घंटों बाद सामने आएगा कि मतदाताओं ने किस तरीके से अपनी सरकार को चुनने के लिए काम किया। पत्रिका.com पे आप बने रहें और सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सबसे पहले सिर्फ पत्रिका.com पर।